बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं किचन में हूँ और आज कुछ बनाने वाली हूँ। बहुत टाइम से मैंने कोई कुकिंग वीडियो नहीं बनाया है, तो आज मैं कुछ कुक करने वाली हूँ। तो एक्चुअली हमारी बिल्डिंग 14 दिन के लिए सील हो चुकी है, तो हम हमारी बिल्डिंग के बाहर नहीं जा सकते। मुझे सडनली लॉकडाउन का फील आने लग गया है, तो लॉकडाउन से सबसे ज्यादा मुझे कुकिंग की याद आती है, तो मैंने कहा क्यों ना आज कुकिंग वीडियो बनाया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। आज मैं बनाने वाली हूँ वेज मोमोज, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज चारू अस्तोपा से, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। लेकिन ये जो मैं मोमोज बनाने वाली हूँ, ये बहुत ही स्पेशल मोमोज बना रही हूँ, जो कि सोया चंक्स को मैंने सोक करके रखा था। उसके बाद सोया चंक्स का बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत हेल्दी है, फुल ऑफ प्रोटीन, और उनसे बनाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोमोज बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है, हम मैदा जो है हम उसन लेते हैं अच्छे से। तो उसके लिए हमें चाहिए, मैं सिर्फ दो लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने एक छोटा बोल मैदा लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्का सा नमक स्वाद अनुसार, तो मैं इतना नमक डाल रही हूँ, हल्का सा ऑयल डाल रही हूँ, मैंने लगभग एक चम्मच ऑयल डाला है। अब इसमें नमक और ऑयल को अच्छे से मिक्स करना है, तो ऐसे हाथ से इस तरह करेंगे तो वो ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मैदे के अंदर पानी को धीरे धीरे डालेंगे, क्योंकि एक साथ नहीं डालना है, उसे धीरे धीरे डालना और मिक्स करते जाना है। सो ये मैंने आटा उसन लिया है, उसके बाद उसके ऊपर हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा के छोड़ दिया है। और बहुत ज्यादा सॉफ्ट आटा नहीं होना चाहिए, आटा हार्ड ही रहना चाहिए, क्योंकि आपको जब बेलेंगे तो उसको बहुत पतले पतले लेयर्स बनाने हैं, इसलिए बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा अगर आटा, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने कर दिया है, और इस पर ऐसे ऑयल लगा के और इसको थोड़ी देर ढक के रख दूंगी। आटे को रख दिया है। अब बारी है हमारा मिक्सचर बनाने के लिए, जो कि हम जो हमारी फिलिंग होगी मोमोज की, तो हम वो तैयार करते हैं। वन टी स्पून ऑयल। तो ये हमारा तेल आई थिंक गरम हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले लहसुन डालेंगे। मैंने कुछ पांच कलियां हैं, उनको अच्छे से बारीक करके, और अब इसे अच्छे से हिला लेंगे। ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे हल्का सा सौते करना है बस। अब हम इसमें ग्रीन चिली डाल रहे हैं और स्पाइसी नहीं होना चाहिए, थोड़ा तीखा। ये ग्रीन चिली क्या होता है? ये शुड बी रेड चिली, येलो चिली। ज्यादा पक जाएगा। ये इस बात का ध्यान रखें कि इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ सौते करना है हल्का सा। हाँ प्लीज ध्यान रखिएगा। हाँ। ज्यादा नहीं पकाना। इसे मैंने गाजर, ग्रीन चिली और गार्लिक डाल दिया है। अब मैं इसमें सोया चंक्स डाल रही हूँ। इसे पका के इसका हमें पानी सुखाना है बेसिकली, क्योंकि अगर पानी आपका जो मिक्सचर है इसका पानी गीला रह जाएगा, तो जब आप फिलिंग करेंगे मोमोज के लिए तो आप अच्छे से उसको पैक नहीं कर पाएंगे मोमोज के कवर को, तो इसलिए इसका पानी अच्छे से सूख जाना चाहिए। अब पूरे मिक्सचर में, क्योंकि हमने गार्लिक सबसे पहले डाल दिया था, तो पूरे मिक्सचर में बहुत अच्छा सा गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है,
मुझे खुशबू आ रही है इसमें, तो आई एम श्योर पूरे में अच्छे से गार्लिक का फ्लेवर भी आ रहा होगा। नमक इसमें अभी नहीं डालेंगे, ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि नमक डालने के बाद नमक भी पानी छोड़ता है, तो वो हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए वो हम लास्ट में डालेंगे। तो ये हमारा जो मिक्सचर है ये तैयार हो चुका है, अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना है और इसे ठंडा होने देना है, और जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें नमक डालेंगे, ताकि इसका पूरा पानी सूखा रहे और नमक का भी पानी ना आए। और अब जब तक हमारा ये मिक्सचर ठंडा होता है, तब तक हम लोग मोमोज की चटनी तैयार कर लेते हैं। सो लेट्स गो। सो अब चटनी बनाने के लिए मैंने एक पैन में पानी के अंदर कुछ रेड चिलीज डाली हैं और उसके बाद दो टमाटर आधे आधे काट के डाले हैं और थोड़ा सा गार्लिक डाल रही हूँ, और अब इसे अच्छे से करेंगे बॉईल, लगभग 20 मिनट के लिए अच्छे से इसको उबलने देंगे। चटनी का जो मसाला है वो उबलता रहेगा, और दूसरे साइड में हम अब मोमोज का जो कवर होता है वो बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे पेड़े, जो हम इसको ऐसे छोटा छोटा काट के, ये हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैदा है वो बहुत जल्दी जल्दी सूखने लग जाता है, तो हम जल्दी जल्दी से इसको गोल गोल बनाकर लड्डू बना के इसका रख देंगे, और उसके बाद इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमारी बिल्डिंग सील हो चुकी है और हम कहीं बाहर नहीं जा सकते और ना ही कोई बाहर का अंदर आ सकता है, तो मुझे फिर से वैसा फील हो रहा है जैसे स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन हुआ था, तो हम घर का सारा काम खुद करते थे, कुकिंग करते थे, तो इसीलिए आज मेरा मन कर रहा था कि क्यों ना कुछ कुक किया जाए। बड़ी याद आ रही थी कुकिंग की, कोई कुकिंग वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ नया बनाया जाए जो मैंने पहले कभी नहीं बनाया, जो कि है मोमोज। सो अभी जो मैंने लड्डू बनाए थे, अब मैं उनकी रोटी बना रही हूँ, गोल गोल छोटी छोटी। मेक श्योर कि जो आप रोटी बनाएंगे थोड़ी पतली होनी चाहिए, स्पेशली एंड्स जो होते हैं वो पतले होने चाहिए। सो ये मैंने मोमोज की कवरिंग के लिए रोटी तैयार कर ली है, और अब मैं अपने मिक्सचर के अंदर नमक नहीं डाला था मैंने, सो अब मैं नमक डालने वाली हूँ। नमक थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि अपने मैदे में भी नमक डाला है, और सोया सॉस भी मैं इसमें डालने वाली हूँ जिसमें ऑलरेडी नमक होता है, तो इसमें मैं हल्का सा नमक डाल रही हूँ। उसके साथ में इसमें एक स्पून सोया सॉस डाल रही हूँ, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। याद रखिएगा ये मैंने पूरा मिक्सचर ठंडा होने के बाद उसके अंदर सोया सॉस और नमक डाला है, गर्म में नहीं डाला है। सो ये हमारी चटनी का जो हमने जो चीज़ें थी हमने बॉईल करने के लिए डाली थी, जैसे कि टमाटर, मिर्ची और लहसुन, तो पानी आप देख रहे हैं अच्छी तरह सूख चुका है। अब हमने गैस को बंद कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में, क्योंकि जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। और इसमें मैं एक स्पून नींबू डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप विनेगर डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि ओरिजिनल चीज़ों में विश्वास रखती हूँ तो मैं इसलिए नींबू डाल रही हूँ। 1.5 स्पून। नाउ आई मिक्स इट। अब बारी है मोमोज बनाने की, तो हमने ये एक रोटी उठाई है, इसे इसमें हम एक स्पून मोमोज का मसाला डालते हैं। तो मोमोज बनाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, पास में आके दिखाऊं। इसे हम इस तरह प्लीट्स बनाएंगे, आप इधर से देखेंगे तो आपको प्लीट्स दिखाई देंगे। सो ये हमारे मोमोज का डिजाइन तैयार हो गया है, वाओ। और ऐसे ही हम सारे मोमोज बना लेंगे।
अब मैं आपको एक दूसरा डिजाइन दिखाने वाली हूँ। सो ये प्लेट्स बनाई, बनके तैयार नहीं हुए हैं, सिर्फ पकने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और सबसे पहले जाते हैं अपनी चटनी बनाते हैं। सॉरी, मैंने देखा हमारी चटनी के लिए अभी हमारे मिक्सचर को थोड़ा सा और बॉईल करना पड़ेगा। सो वो बॉईल हो रहा है तब तक हम लोग मोमोज चढ़ा देते हैं, क्योंकि मोमोज को भी कम से कम 20 से 25 मिनट तक स्टीम लगना चाहिए। तो इसलिए और मैं बना रही हूँ जो इडली वाला पैन, इडली वाला जो सांचा होता है उसके अंदर मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले ऑयल लगा देते हैं। तो इसमें मैंने ऑयल लगा लिया है और अब मैं इसमें अपने मोमोज रख रही हूँ। अब मैं इसे ढक दूंगी। परफेक्ट। सो मेरा जो चटनी का सारा मसाला जो मैंने बॉईल किया था वो मैंने इसमें जार में डाल के इसे अब मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। बहुत ज्यादा महीन नहीं करना है, उसको हल्का दरदरा रखना है, क्योंकि वो ऑथेंटिक फील आना चाहिए। जरा देख लेती हूँ कैसा हुआ है। ओ माय गॉड, लुक एट द कलर, इट्स अमेजिंग। पैन में हल्का सा ऑयल डालूंगी, नॉट सो मच, जस्ट 1 टीस्पून। सो ऑयल आ चुका है, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा रेड चिली का जो पंद्रह मिनट तक पकाना है, जब तक ये तेल छोड़ेगा ये पूरा जो चटनी है ये तेल छोड़ने लगेगी और तब हमें पता चल जाएगा कि ये पक गई है। देखिए हल्का हल्का ये छोड़ने लग गई है, और अदरवाइज 15 मिनट तक इसे अच्छे से हिलाते रहना है। मेरे तो मुंह में बहुत पानी आ रहा है। मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। देखो एक बार कलर देखो, वाओ, दीज आर व्हाट यू कॉल बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द मोमेंट। Momos look so good, so good. डालेंगे थोड़ा केचप और अब इसमें डालेंगे my favorite thing, lime juice. अब इस चटनी को हम बाहर निकाल लेंगे और ये मेरे मोमोज तैयार हो गए। इनकी स्किन आप देख रहे हैं, स्किन के अंदर से पूरा जो फिलिंग है वो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये अच्छी तरह पक गए हैं। एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ये आपने बनाया। मुझे भी नहीं हो रहा था। Really, this is wow. Look at the chutney, guys. Amazing. मैं आपका रिएक्शन देखने के लिए मैंने कहा मैं खुद ही शूट करूंगी। Actually, the chutney is so tempting कि जी कर रहा पहले ये मैं इसको मतलब पहले ये खाऊं। But regardless, let's start with the momo first. गरम होगा आराम से। वेरी स्पाइसी। दिस चटनी इज एवरीथिंग। ओह माय गॉड, दिस चटनी इज रियली गुड। हां, अमेजिंग बनाया तूने यार, सच्ची बोलो। ऑनेस्टली इतना मिर्ची तो बनता है यार। Actually, too good.
दो शब्द आपने ये तारीफ में क्या कहोगे? Outstanding. A lot of hard work that she did, because these things take a lot of time. So amazing. Very, very proud of you. And if you really like the video, please share it with your friends and family. And do subscribe, do share it with your friends, and don't forget to leave a comment down below कि आप लोगों को ये चीज कैसा लगा. और आप लोग भी जाइए, try कीजिए, बहुत ही tasty बना है, trust me. I wish मैं कैमरा के अंदर से आके और आपके घरों में जाकर मैं आपको ये खिला पाता, क्योंकि इतना टेस्टी है कि and this is from a true foodie guys, I'm like a genuine foodie lover. Actually, राजीव के मुंह से सुनना और तारीफ खाने को लेके बहुत ही मुश्किल है. Thank you guys. Loved it. Loved it. चलो शुरू करो. सच्ची अच्छा. बहुत amazing. बहुत